गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम क्लॉक चैप्टर आगे कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे टू फास्ट एंड टू स्लो। देखिए, जैसे इफ ए क्लॉक इंडिकेट 9:15 व्हेन द करेक्ट टाइम इज 9। एक्चुअल टाइम तो 9 है और 9:15 उस क्लॉक में टाइम दिखा रही है वो। इसका मतलब है देन इट इज सेट टू बी 15 मिनट टू फास्ट, मतलब घड़ी जो है करेक्ट टाइम से 15 मिनट आगे है। इफ द क्लॉक इंडिकेट्स 8:45 व्हेन द करेक्ट टाइम इज 9, देन इट इज सेट टू बी 15 मिनट टू स्लो। अगर वो टाइम से पीछे चल रही है तो उसे बोला जाएगा कि क्लॉक इज स्लो। अब देखिए क्वेश्चन, ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट स्लो एट संडे नून। विच गेन्स यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो घड़ी लगातार तेज चल रही है, उसकी स्पीड तेज है। ओरिजिनल जो घड़ी की स्पीड होती है उससे फास्ट है उसकी स्पीड। यूनिफॉर्मली लगातार है वो, जो स्पीड है उसकी लगातार है, ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा तेज हो जाती है कभी कम तेज। इज 2 मिनट स्लो, 2 मिनट स्लो का मतलब राइट टाइम से वो पीछे चल रही है 2 मिनट। एट संडे नून, संडे दोपहर 12 बजे। एंड इज 4:48 फास्ट, और वो 4:48 फास्ट का मतलब एक्चुअल टाइम से आगे हो गई। एट 2 PM ऑन नेक्स्ट संडे, अगले संडे 2 PM पे जब उसमें टाइम देखा गया तो वो राइट टाइम से 4:48 फास्ट थी। वो टाइम से, एक्चुअल टाइम से पीछे थी और आगे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इसका रीजन बता दिया, क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली, वो घड़ी लगातार तेज चलती इसलिए पीछे थी वो पीछे का टाइम कवर करके राइट टाइम से आगे पहुंच गई। एट व्हाट टाइम बिटवीन दिस पीरियड इट वाज करेक्ट, तो इस दौरान क्या टाइम आया जब उसने राइट टाइम दिखाया होगा। देखो, घड़ी पीछे थी और आगे पहुंच गई राइट टाइम से, तो बीच में एक बार तो राइट हुई होगी ना, तो वो टाइम बताना है कि वो घड़ी ने कब टाइम सही दिखाया था। और अब देखिए कैसे करें इसे। पहला हमें बताया है संडे नून, संडे नून, और संडे नून को वो घड़ी थी 2 मिनट पीछे, -2 लिख लेते हैं हम। और नेक्स्ट संडे 2 PM पर वो घड़ी राइट टाइम से आगे हो गई 4:48, इतनी आगे हो गई। अब देखिए ये कितना टाइम बीत गया। संडे नून मतलब 12 बजे दोपहर के, नेक्स्ट संडे 2 PM, 2 PM तक नेक्स्ट संडे को, तो देखो 1 वीक तो कंप्लीट चला गया। टाइम पीरियड कितना हो गया? 7 डेज प्लस 12 के बाद 2 PM तक पहुंच गया, 2 आवर। तो 7 डेज के, इसको हम आवर में चेंज कर ले, 7 × 24 प्लस 2, 168 प्लस 2, 170 आवर। कितना टाइम बीत गया? 170 घंटे, 170 आवर बीत गए संडे नून से नेक्स्ट संडे 2 PM तक। और उस घड़ी ने कितना डिफरेंस कर लिया? वो 2 मिनट पीछे थी और 4:48 आगे हो गई, तो कितना टाइम गेन कर लिया? टाइम गेन, 2 मिनट तो पीछे के कवर किए प्लस में 4:48 आगे भी हो गई। 4 होल 48 बाय 60, मैंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये कट जाएगा 12 से 5 जा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 6 होल 4 बाय 5 मिनट। तो कितना बनेगा? 6 5 जा 30 प्लस 4 34 अपॉन 5 मिनट। वन हंड्रेड सेवेंटी आवर्स में इतनी उसकी ज्यादा स्पीड है। अब उसने पूछा है कि वो घड़ी कब करेक्ट टाइम दिखाएगी। अब देखो, वो 2 मिनट पीछे है, राइट टाइम से 2 मिनट पीछे है, जब उसने ये 2 मिनट कवर कर लिए तो वो राइट टाइम दिखाएगी। तो हमें चेक करना है कि वो 2 मिनट कितनी देर में गेन करेगी। तो देखिए, क्लॉक गेन्स कितने मिनट गेन करती है? 34 अपॉन 5 मिनट इन 170 आवर। 170 आवर में इतने मिनट गेन करती है क्लॉक गेन्स।
1 minute in 170 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 5 इनको डिवाइड इसको डिवाइड में ले आएंगे और कितने मिनट 2 मिनट गेन करवाने हैं क्लॉक गेन 2 मिनट मल्टीप्लाई बाय 2 170 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 34 और मल्टीप्लाई बाय 2 तो देखिए 17 से कट जाएगा ये 17 10 जा और 17 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया ये आ गया 50 आवर में वो क्लॉक जो है 2 मिनट गेन कर लेगी 50 आवर का मतलब है 2 डेज प्लस 2 डेज में 48 आवर हो गए 2 आवर तो उसने बताया कि संडे नून को वो राइट 2 मिनट पीछे थी तो राइट टाइम कब होगा अगर हम संडे नून में ऐड कर देंगे 2 डेज 2 आवर तो क्या आ जाएगा ट्यूसडे 2 पीएम ट्यूसडे 2 पीएम पे वो राइट टाइम दिखाएगी सेकंड क्वेश्चन देखिए टू क्लॉक्स आर सेट करेक्ट एट 10 एएम दो घड़ी हैं दोनों को सुबह 10 बजे करेक्ट टाइम पे सेट कर दिया गया फर्स्ट गेन 20 सेकंड्स एंड सेकंड लूजेस 40 सेकंड्स इन 24 आवर फर्स्ट जो क्लॉक है वो तो फास्ट चल रही है 20 सेकंड आगे हो जाती है टाइम से 24 आवर में और सेकंड क्लॉक लूजेस वो पीछे हो जाती है करेक्ट टाइम से 40 सेकंड इन 24 आवर अब देखिए इसमें बताना है फाइंड द करेक्ट टाइम व्हेन द फर्स्ट क्लॉक इंडिकेट 4 पीएम ऑन नेक्स्ट डे अगर फर्स्ट क्लॉक अगले दिन 4 पीएम का टाइम बता रही है तो करेक्ट टाइम क्या है तो देखिए फर्स्ट क्लॉक में सुबह 10 एएम पे टाइम सही किया गया था और अगले दिन 4 पीएम पे चेक किया गया तो क्लॉक ने कितना टाइम कवर कर लिया 4 एएम से 4 पीएम नेक्स्ट डे तक 1 day और 6 hours मतलब 30 आवर गेन कर लिया 30 आवर अब हमें पता है कि वो क्लॉक जो है 24 आवर में 20 सेकंड गेन कर लेती है तो देखिए फर्स्ट क्लॉक शो इफ फर्स्ट क्लॉक शो 24 आवर 20 सेकंड इसको अगर हम आवर में कन्वर्ट कर लें कैसे 24 होल 20 अपॉन 1 hour में सेकंड 3600 तो ये 0 से 0 और ये आ जाएगा 180 तो 24 होल 1 अपॉन 180 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4321 अपॉन में 180 आवर मतलब कि जो फर्स्ट क्लॉक है इतने आवर शो करेगी देन द करेक्ट टाइम इज तो करेक्ट टाइम कितना होगा 24 आवर फर्स्ट क्लॉक ने 20 सेकंड गेन कर लिया तो 20 सेकंड गेन करने से इतने आवर बन गए लेकिन एक्चुअल में कितना टाइम है 24 आवर आगे करते हैं फर्स्ट क्लॉक शो 1 hour अगर फर्स्ट क्लॉक 1 hour शो करेगी तो करेक्ट टाइम कितना होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 24 डिवाइड बाय तो 4321 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से लेकिन हमें हमने देखा है कि ये क्लॉक ने 30 आवर गेन किए हैं इफ फर्स्ट क्लॉक शो 30 आवर देन करेक्ट टाइम इज तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 4321 मल्टीप्लाई 30 इसको सोल्व कर लेंगे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29 आवर 59 होल 2521 अपॉन 4321 मिनट इतना होगा एक्चुअल टाइम लेकिन उस क्लॉक ने तो 30 आवर कवर कर लिए लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना है 29 आवर 59 होल
2521 मिनट अपॉन 1 अपॉन में 4321 मिनट, इतना है। तो उस क्लॉक में कितना टाइम शो कर रहा था, 4 PM, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, 3 आवर, 4 PM था तो 3 आवर 59 होल 2521 अपॉन में 4321 मिनट, ये होगा एक्चुअल टाइम। लेकिन वो क्योंकि गेन कर रही है तो उसने 4 PM शो कर दिया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये था फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा है आफ्टर व्हाट टाइम विल द फर्स्ट क्लॉक गेन, फर्स्ट क्लॉक तो फास्ट चल रही है 22nd पर डे, फर्स्ट क्लॉक गेन 10 मिनट ऑन सेकंड क्लॉक, कितनी देर बाद फर्स्ट क्लॉक सेकंड क्लॉक से 10 मिनट आगे हो जाएगी, 10 मिनट गेन कर लेगी। एंड व्हाट टाइम विल ईच देन शो, और तब दोनों क्लॉक्स में क्या टाइम शो होएगा। तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्लॉक तो 22nd गेन कर लेती है एक दिन में, और सेकंड क्लॉक 42nd लॉस कर लेती है। तो देखो वन डे में हम दो चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लॉक कितने मिनट आगे हो जाएगी सेकंड क्लॉक से वन डे में। तो देखिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्लॉक गेन ऑन सेकंड, गेन्स ऑन सेकंड इज इक्वल टू 22nd, तो वो खुद आगे हो जाती है, और 42nd दूसरी क्लॉक, 42nd दूसरी क्लॉक पीछे हो जाती है, तो टोटल कितने 60 सेकंड हो गए और 1 मिनट वन डे में, इन वन डे मतलब 24 आवर में 1 मिनट आगे हो जाएगी फर्स्ट क्लॉक सेकंड से। तो 10 मिनट गेन पूछा इसने, तो 10 मिनट गेन्स इन 10 डेज, वन डे में 1 मिनट गेन करती है तो 10 डेज में 10 मिनट गेन करेगी फर्स्ट क्लॉक सेकंड से। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि एंड व्हाट टाइम विल ईच देन शो, दोनों घड़ियों में क्या टाइम होगा जब फर्स्ट क्लॉक सेकंड से 10 मिनट गेन कर लेगी। तो देखिए फर्स्ट क्लॉक जो है 22nd गेन करती है इन वन डे, 22nd गेन इन वन डे, तो 10 डेज में, इन 10 डेज कितना गेन कर लेगी, 20 × 10 200 सेकेंड, या फिर 3 मिनट 20 सेकेंड। तो फर्स्ट क्लॉक शो 10 AM से स्टार्ट किया था तो टाइम शो करेगी 10 आवर 3 मिनट 20 सेकेंड, और सेकंड क्लॉक जो है वो लॉस करती है टाइम कितना, 42nd पर डे। तो सेकंड क्लॉक लूजेज इन 10 डेज, वन डे में 42nd, तो 40 × 10 400 सेकेंड, या और इसको हम लिख सकते हैं 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट 40 सेकेंड वो पीछे हो जाएगी राइट टाइम से। तो राइट टाइम तो 10 AM है 10वें दिन, तो इससे 6 मिनट 40 सेकेंड पीछे कर देते हैं। तो सेकंड क्लॉक क्या टाइम शो करेगी, ये करेगी 9 आवर 9 बजकर 53 मिनट 20 सेकेंड, 10 आवर में हम इतने मिनट और 6 मिनट 40 सेकेंड माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, एक ये आंसर आ जाएगा, एक 10 डेज आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।